ह्यूमन आई में ये बताया गया है कि जो ह्यूमन आई है उसके अंदर आंख का एक लेंस है जो कि कन्वेक्स लेंस है। ह्यूमन आई बहुत ही अलग चीज़ है जिसमें जो आंख का लेंस है वो हमेशा इमेज रेटिना पे बनाएगा। अब सोचो कोई दुनिया का एक ऐसा लेंस नहीं है कि तुम ऑब्जेक्ट जहां मर्जी रख दो इमेज एक ही जगह बनेगी, ऐसा कैसे हो सकता है यार। यू डिफर करोगे तो वी तो डिफरेंट आंसर आएगा ही आएगा, पर ह्यूमन एक ऐसा आई का ऐसा लेंस है कन्वेक्स लेंस, यू जो मर्जी हो इमेज तो रेटिना पे बनेगी बनेगी, ये ह्यूमन आई है। तो अब ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ तो चेंज होना चाहिए। अगर यू चेंज हो रहा है और वी चेंज नहीं हो रहा तो तीसरी चीज क्या बची, एफ, तो फोकल लेंथ क्या हो रही है, चेंज। ह्यूमन आई का जो कन्वेक्स लेंस है वो ऑटोमेटिक है, तो नेचर ने उसे ऑटोमेटिक बनाया है। फोकल लेंथ की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज, और चेंज करने के लिए जो मसल्स हैं वो दबती हैं, एडजस्ट करती हैं। तो जिनकी मसल नहीं दब पाती, फोकल लेंथ सेट नहीं हो पाती, उनका चश्मा लग जाता है। तो फिर गाजर का जूस पीना चाहिए, हरी वेजिटेबल्स खानी चाहिए ताकि मसल सही काम करें, ऐनक ना लगे, ठीक है। तो बेसिकली मसल्स का गेम है, तो फोकल लेंथ चेंज नहीं हो पाती। तो हमारी जो आई है वो एडजस्ट करती है फोकल लेंथ को और अकोमोडेट करती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को वो इमेज रेटिना पे ही बनाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन। तो चाहे आपकी इमेज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, चाहे ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, इमेज ने तो रेटिना पे बनना ही है। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉर्मल आई, एक जिसके ऐनक नहीं लगी हुई, नॉर्मल आई कितना मैक्सिमम दूरी का ऑब्जेक्ट देख सकता है, इन्फिनिटी, जितना मर्जी दूर हो सब देख लेता है वो, चांद सितारे भी देख लेगा बिना ऐनक के, कोई दिक्कत नहीं है उसे, क्लियर दिखेगा, छोटा दिखेगा, क्लियर दिखेगा, ब्लर नहीं दिखेगा। तो एक नॉर्मल आई का फार पॉइंट इन्फिनिटी है, तो इनफाइनाइट बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को भी देख सकता है, यू इन्फिनिटी है। लेकिन जो नॉर्मल आई है वो पास कितने से कितना देख सकता है, 25 सेंटीमीटर का एवरेज डिस्टेंस है एक ह्यूमन बीइंग का। आप किताब को 25 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो आपकी बिल्कुल क्लियर इमेज बनेगी। ऐसा नहीं 26-27 पे भी बनती है, ऐसा नहीं है, ऐसे यहाँ भी बनती है, पर यहाँ देखना नहीं चाहिए, आँख खराब होती है, बोलते ना पेरेंट आँख लेट के मत पढ़, आप किताब को दूर रख, आँख खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर इमेज पीछे बननी स्टार्ट हो जाती है, फिर आई का जो लेंस है ना एडजस्ट हो जाता है, तो फिर नॉर्मल चीज़ें कम दिखती हैं। तो 25 सेंटीमीटर इसका नियर पॉइंट है ऑलमोस्ट, तो यू 25 सेंटीमीटर पे अगर पड़ा हुआ है इसे पास रखना नहीं चाहिए। 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट है जहाँ पर नॉर्मल आई सही काम करती है। तो मिनिमम डिस्टेंस 25 है नियर पॉइंट है, और फार पॉइंट क्या है इसका, इन्फिनिटी। ये एक नॉर्मल आँख है। हम पढ़ने जा रहे हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन में अब जिसकी आँख खराब है तो उसके दो तरीके से खराब हो सकती है। पहली मायोपिया या नियर साइटेडनेस, जहाँ दूर की नज़र खराब है, दूर की निगाह खराब है हम बोलते हैं, तो वो मायोपिया या नियर साइटेडनेस है। और अगर पास की नज़र खराब है, पास का नहीं दिख रहा आपको, ऐनक लगेगी, तो हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस है। पास को फार बोलते हैं और इसमें दूर को नियर बोलते हैं, उल्टा है। नियर साइटेडनेस लगता है कि दूर की, पास की नज़र खराब है ना, दूर की खराब है। तो अगर हम बात करते हैं मायोपिया की या फिर शॉर्ट साइटेडनेस की, मायोपिया वाले लोगों को क्या प्रॉब्लम है, मेरे जैसे लोग हैं जिनके चश्मा लगा हुआ है और आप जैसे कुछ लोग हैं जो दूर की चीजों को नहीं देख पाते, ब्लर दिखता है। तो नॉर्मल आंख क्या होती है, नॉर्मल आंख रेज इन्फिनिटी से लाती है और यहाँ बनाती है, पर हम जैसे लोगों की यहाँ पर नहीं बनती, हमारा लेंस एडजस्ट नहीं कर पाता। तो इन्फिनिटी अगर बहुत दूर के ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, जैसे मैं लैपटॉप देख रहा हूँ, वो लैपटॉप बहुत दूर है मेरे लिए, इन्फिनिटी है, अगर मैं उसको देख रहा हूँ मेरे को तो बहुत ही ब्लर दिख रहा है वो, क्योंकि मेरी आंख का लेंस इमेज कहाँ पर बना रहा है, यहाँ बना रहा है, पास बना रहा है, रेटिना पे बना नहीं रहा, तो वो यहाँ पे बना रहा है, बना नहीं आना चाहिए। तो फिर लाइट ही लाइट गिरेगी तो वो ब्लरनेस दिखेगी वहाँ पे, ठीक है यहाँ तक। तो ये प्रॉब्लम है, और मेरी आंख डिफेक्टिव आंख है। अब हम डिफेक्टिव आई को पढ़ रहे हैं, नॉर्मल आई नहीं है। तो जो डिफेक्टिव आंख है, डिफेक्टिव आई है मेरे जैसी लोगों का, उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं है। मैं लोगों को कह नहीं सकता कि मेरे को कुछ भी दिखाओ क्या दिख रहा है, मैं तो कह नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा फार पॉइंट इन्फिनिटी है ही नहीं। मेरा फार पॉइंट मान लो सिर्फ ये कैमरा है, कैमरा तक ही मैं ठीक देख पाता हूँ, उसके बाद ब्लर दिखता है। तो मेरा फार पॉइंट ये है, मान लो 1 मीटर या 2 मीटर है बस। आप लोगों का जिसकी चश्मा नहीं लगा उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी है, आप कुछ भी देख सकते हो, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो अगर मैं भी उस लैपटॉप को बहुत दूर देखना चाहता हूँ, इनफाइनाइट डिस्टेंस को,
तो मैं इसके अपनी आंख के आगे क्या लगा लूंगा, चश्मा। तो मैंने कंकेव लेंस लगा लिया। कंकेव लेंस सिर्फ मेरी आंख को धोखा दे रहा है और कुछ नहीं दे रहा, क्योंकि मेरी आंख तो डिफेक्टिव है, वो तो वही देखना पसंद करेगी जो वो देखना चाहती है, वो इन्फिनिटी को तो देख ही नहीं पाती। तो इन्फिनिटी को तो ऐनक लगाओ ना लगाओ फर्क पड़ता ही नहीं है, मेरी आंख तो डिफेक्टिव है। हाँ, मेरी आंख कहती है कि अगर आप कैमरे के ऊपर किसी चीज़ को रख दोगे मैं देख लूंगी, मैं अपनी इमेज रेटिना पे बना दूंगी। तो ये चश्मा क्या करता है, जब मैं लैपटॉप को देखता हूँ उसको ऑब्जेक्ट मान के मेरा चश्मा का लेंस इमेज कैमरा के ऊपर बनाता है, और मेरा ये कन्वेक्स लेंस आंख का उसको ऑब्जेक्ट मान के इमेज रेटिना पे बना देता है। ये देखो इन्फिनिटी पे बहुत दूर पड़ी हुई है कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये चश्मा क्या करता है इसकी वर्चुअल इमेज यहाँ बना देता है। कहाँ पे? जहाँ मेरी आंख का फार पॉइंट है, क्योंकि मेरी आंख तो फार पॉइंट पे ठीक देख पाती है, तो मेरी आंख पे यहाँ ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो क्लियर इमेज बनाएगी। तो चश्मा, लेकिन ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है, चश्मा क्या कर रहा है इन्फिनिटी को ऑब्जेक्ट मान के उसकी वर्चुअल फोकल यहाँ पे इमेज बना रहा है। अब मेरी आंख को लगता है कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा ही नहीं, ऑब्जेक्ट तो यहीं पड़ा है, तो मेरी आंख इसको ऑब्जेक्ट मान के इसकी इमेज यहाँ बना देती है। तो चश्मे के लिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है और इमेज एफ है, और मेरी आंख के लेंस के लिए ऑब्जेक्ट एफ है और इमेज आई है। तो मेरी आंख को लगता है कि ये ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज क्लियर बन जाती है, तो मैं भी आप लोगों की तरह बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकता हूँ। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो जो न्यूमेरिकल्स है मेरी आंख के लेंस पर कभी नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल किस पे आएंगे, चश्मे पे आएंगे। कहीं सोचो कि आंख के लेंस के ऊपर न्यूमेरिकल आ रहे हैं, नहीं आएंगे, चश्मे के ऊपर न्यूमेरिकल है। तो कौन सा लेंस लगेगा इसमें, कंकेव लेंस लगेगा। कंकेव लेंस में, कंकेव लेंस का काम क्या है, ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा था, इन्फिनिटी पे, इमेज को कहां बना रहा है, एफ पे। मान लो एफ लेंस से फार पॉइंट है मेरा एक्स, एक्स ये फोकल लेंथ नहीं है, ये फार पॉइंट है। तो मान लो एक्स मेरी आंख का फार पॉइंट है, 2 मीटर 3 मीटर जो भी होता होगा एक्स है, ये रहा माइनस एक्स। तो मेरी इस जो चश्मा है इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करें, फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे 1/∞ 0 है, तो आंसर क्या आएगा, f = -x। एक शॉर्टकट नोट करें कि मायोपिया में लिखें, इन केस ऑफ मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस, इन केस ऑफ मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस फॉर्मूला बुकलेट में लिखें, इन केस ऑफ मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस, इफ इफ एक्स इज फार पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आई, डिफेक्टिव आई का फार पॉइंट इंफिनिटी नहीं है, डिफेक्टिव आई का फार पॉइंट एक्स है, तो फोकल लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एक्स। ठीक है, क्या होता है जब आप एना की दुकान पे जाते हो, वो कहता है ये आई साइट चेक कर दो, मशीन पे बिठाता है, गुब्बारा सा दिखता है, कलर सा वो एडजस्ट करता है, तो वो क्या कर रहा है, आपका फार पॉइंट देख रहा है। तो एडजस्टमेंट करके आपको बैलून सा बिल्कुल क्लियर दिखता है, जैसे क्लियर दिखता है वो क्लिक करके प्रिंट निकाल देता है, वो आपका आँख का फार पॉइंट ढूंढ रहा है। उसने फार पॉइंट ढूंढ दिया, चश्मे की फोकल लेंथ पता लगी उसको, एफ है, नेगेटिव एफ आंसर। तो फार पॉइंट आपको ढूंढ लेगा 40 सेंटीमीटर, मशीन ढूंढ देगी फार पॉइंट आपका 40 सेंटीमीटर है, तो बस फोकल लेंथ में -40 हो जाएगी, उसका चश्मा तैयार हो जाएगा, बात खत्म। समझ में आ रहा है यार कैसे काम करती है मशीनें? ठीक है, तो इसके लिए कंकेव लेंस चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस। अब जो ये प्रॉब्लम यंग एज में होती नहीं है, ये ओल्ड एज में होती है। ओल्ड एज वाला वो देखा होगा जेब में चश्मा रखते हैं, जब कहते हो ना कि ये साइन कर दो, वो पहले एक चश्मा निकालते हैं जेब में से, फिर ऐसे करके साइन करते हैं, चश्मा जेब में डाल लेते हैं, फिर से दूर की निगाह ठीक है, पास की खराब है, और चश्मा भूल जाए तो पहले तो बोलते हैं चश्मा नहीं है मेरे पास, आप कहते हो फिर भी देख लो जी, फिर वो कहते हैं जी पढ़ा नहीं जा रहा, चलो देखते हैं, ऐसे करके पढ़ते हैं दूर से। ठीक है, तो जिनकी पास की नज़र ख़राब है वो ऐसे करके पढ़ेगा, क्यों, क्योंकि नॉर्मल आँख का जो नियर पॉइंट है वो है 25, लेकिन ये लोग जिनकी डिफेक्टिव आई है, पास की नज़र ख़राब है, वो 25 में जब किताब रखते हैं उसकी इमेज पीछे बन जाती है, तो उनको ब्लर दिखता है, तो वो चाहते हैं कि इमेज यहाँ पर बने, तो किताब कोई 25 से दूर रख लेते हैं, मोर देन 25 ऐसे करके पढ़ते हैं ताकि इमेज क्लियर दिखे। समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे है, तो ये करते हैं। अब मान लो ज़्यादा निगाह ख़राब है, हाथ से भी दूर कहाँ रखेगा वो, अक्षर ही छोटे हो गए,
वो भी चाहता है कि मैं भी किताब 25 की सेंटीमीटर पे रखूं, तो वो अपने चश्मा निकालेगा, चश्मा एक कन्वेक्स लेंस का। उसकी आंख सही काम तब करेगी जब उसके नियर पॉइंट, जो कि 25 सेंटीमीटर से भी ज्यादा है उसका नियर पॉइंट, अब 25 तो नॉर्मल आपका होता है पर उसका 25 से ज्यादा है, तो उसकी किताब अगर यहां पर रखी जाएगी मोर देन 25 पे तो वो क्लियर दिखेगा। पर रखना चाहता है 25 पे, 35 पे या 40 पे नहीं रखना चाहता, चश्मा लगा ले 25 पे रखे, चश्मा क्या करेगा, कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इस 25 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट को, इमेज को यहां बना देगा, वर्चुअल इमेज बना देगा। तो इमेज बना दी, आंख का लेंस को लगेगा कि किताब यहां नहीं पड़ी, किताब यहां पड़ी है, इसको ऑब्जेक्ट मान के वो इमेज सही बना देगा। तो ये काम है इसका। तो ये आंख का जो लेंस है वो कर क्या रहा है, यू और वी। तो आंख का लेंस क्या कर रहा है, यू क्या है, -25, क्योंकि उस देखो यू तो स्टैंडर्ड -25 ही है, क्योंकि हर बंदा चाहता है किताब तो मैं 25 पे ही रखूं। वो लेंस क्या कर रहा है उसका, उसका उस 25 सेंटीमीटर पे वो किताब को नहीं देख पाता, दूर देख पाता है। तो लेंस क्या कर रहा है, उसकी इमेज को 25 सेंटीमीटर पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज को दूर बना रहा है, जहां उसकी आंख देख सकती है। तो वी की वैल्यू क्या होगी, -y, y का मतलब यहां पर नियर पॉइंट है, y इज नियर पॉइंट। तो यहां पर लिखो फॉर्मूला बुकलेट में, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया के अंदर u स्टैंडर्ड 25 है, ये स्टैंडर्ड लिखो, v -y है, वेयर y इज नोन एज नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आई, ये लिखो, और f इज द फोकल लेंथ। तो आप 1/f इज इक्वल टू 1/v -1/u में आप वैल्यू पुट कर लेना, 1/f इज इक्वल टू 1/v की जगह -y, u की जगह -25, सॉल्व करके f कैन बी कैलकुलेटेड। तो मतलब याद करने की जरूरत नहीं आपको न्यूमेरिकल्स में, वैसे इसका फॉर्मूला भी है, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर ये आता है। आप चाहो तो फॉर्मूला वैल्यू पुट कर लो, और मैंने मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट याद है कि जिसकी पास की नज़र खराब है उसने किताब को तो 25 पे रखना चाहता है वो, तो यू तो हमेशा ही -25 है। इमेज कहाँ बनेगी, उसके नियर पॉइंट पे जाके, तो वी आपको नियर पॉइंट गिवन होगा डिफेक्टिव आई का 40 सेंटीमीटर, तो वहां से फोकल लेंथ निकालनी होती है। यू स्टैंडर्ड -25 है, वी गिवन होगा, एफ निकालने को कहेगा। तो फॉर्मूला क्या याद करना, वैसे कर लेंगे लेंस की प्रॉब्लम से सॉल्व। समझ में आ रहा है कैसे करना है इसे सॉल्व, रूल समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, डिफेक्ट्स का, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे ये है, व्हाट फोकल लेंथ शुड द रीडिंग स्पेक्टिकल, रीडिंग स्पेक्टिकल जो होते हैं वो पास की नजर के होते हैं, दूर की नजर के नहीं होते। रीडिंग स्पेक्टिकल हैव फॉर अ पर्सन हुम लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 50। अब इस बंदे की लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना है, 25 है, 50 है, मतलब ये बंदा एक डिफेक्टिव आई लेके जो है बैठा है, जो कहते हैं मेरी किताब तो 50 पे रखो तो मैं सही देख पाऊंगा। तो कह रहे हैं जी चश्मा लगा लो, चश्मा लगा के क्या होगा, वो किताब को कहाँ रख पाएगा, 25 पे। तो चश्मा क्या कर रहा है, 25 को ऑब्जेक्ट मान के इमेज कहाँ पर बना रहा है, 50 पे, जो उसकी आंख देखना चाहती है डिफेक्टिव आई। तो यू यहाँ पर क्या होगा, -25, वी क्या होगा, -50, और इसको लीज डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं इसमें, और ये नियर पॉइंट है, ये नियर पॉइंट है इसका, सॉरी डिफेक्टिव आई का 50 है, लेकिन नॉर्मल आई का क्या होता है, 25 है, किताब 25 पे होगी, इमेज 50 पे बनेगी, सॉल्व करके फोकल निकालेगा जो कि नेगेटिव आएगी, कन्वेक्स लेंस लगेगा। समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें, क्लियर है। जैसे इस क्वेश्चन को देखें, Sun wears glasses of power given, power negative है,
कंकेव लेंस है, दूर की नज़र खराब है, फोकल लेंथ आ जाएगी, माना अपन पावर। इफ पर्सन इज फार साइटेड, वो तो मुझे पता लग ही रहा है उसमें वॉट इज फार पॉइंट ऑफ दी, जो उसकी आंख का फार पॉइंट क्या है, मैंने आपको शॉर्टकट कराया था, एफ इजिकल टू माइनस एक्स। मायोपिया के अंदर एफ इजिकल टू माइनस एक्स, फोकल लेंथ ही फार पॉइंट होती है, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आपकी फोकल लेंथ माइनस 40 है तो फार पॉइंट भी 40 सेंटीमीटर ही है, खत्म, कुछ करना ही नहीं है। मायोपिया में तो कुछ करना ही नहीं है, उसमें को तो किताब पढ़नी है। मायोपिया का रिजल्ट चेक करो, फॉर्मूला रजिस्टर में नोट किया था, फार पॉइंट और फोकल लेंथ एक ही बात है, तो अगर फोकल लेंथ 40 है तो फार पॉइंट भी एग्जैक्टली 40 ही है, माइनस 40, खत्म। न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत नहीं इसमें। मायोपिया का क्वेश्चन सबसे आसान है, जो फोकल लेंथ है वही फार पॉइंट है, खत्म। नेक्स्ट, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज गिवन, फिर से मायोपिया, फार पॉइंट क्या है 80, तो फोकल लेंथ भी क्या है माइनस 80, कंकेव लगाएगा माइनस 80। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस, हो गया फोकल लेंथ माइनस 80, तो वन अपॉन फोकल लेंथ इज पावर, तो पावर निकालने आंसर ही करने की जरूरत क्या है, फोकल लेंथ आ गई 0.80 तो पावर आ गया, आंसर डायरेक्टर में आंसर आ गया, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं मायोपिया को। ये देखो, द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक पर्सन इज 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, डिफेक्टिव आई है, आम बंदा 25 पे देखता है या 75 पे देखता है, 75 पे देखता है। व्हाट इज पावर ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ कैसे निकलेगी, यू स्टैंडर्ड क्या लेंगे माइनस 25, किताब तो 25 भी रखेगा तो इमेज कहाँ पर बनाएगा माइनस 75 पे, तो फोकल लेंथ निकाल लेना, आंसर आ जाएगा यहाँ पर कितनी पॉजिटिव आएगा, इसको रेसिप्रोकल लेना मीटर में कन्वर्ट करने के बाद, तो डायोप्टर में कन्वेक्स लेंस की पावर आ जाएगी, सही।